Hello everyone, myself Sangeeta and today I'm sharing few things which I really want to share to all of you. Title से आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो अगर आप किसी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने भी इसी टाइप की चीज़ कुछ फील की है और किस टाइप से मैं बाहर निकली हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ क्या था कि 15-20 दिन पहले मेरी फैमिली कोविड पॉजिटिव आ गई थी, सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो उस सिचुएशन में मैं बहुत पैनिक कर गई थी, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, बट मुझे उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहना था ताकि मैं सबकी केयर कर सकूं, सबको पॉजिटिव रख सकूं। तो स्लो एंड ग्रेजुअली सभी ने टैबलेट्स लिए और सभी अच्छे से ठीक हो गए, सभी ने रिकवर कर लिया। बट उसके 3-4 डेज बाद मुझ में कुछ सिम्टम्स स्टार्ट हो गए जो कभी मेरे इससे पहले कभी इस टाइप की चीज़ नहीं हुई थी। तो जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे कुछ इस टाइप से थे कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, मुझे 3 डेज तक रात भर नींद नहीं आई। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गला सूख रहा है, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी, अगेन मैं भूल जाती, मतलब मैं नॉर्मल होती थोड़ी देर बाद फिर से हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती, फिर नॉर्मल होता इस टाइप से। और मुझे भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया, हालांकि मेरा टेस्ट था, स्मेल था, सब कुछ था, बट मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिर से टेस्ट करवाना चाहिए कोविड का। तो मैंने टेस्ट करवाया तो फिर से मेरा नेगेटिव आया। तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि मैंने 2 बार टेस्ट करवा दिया, नहीं 2 बार नेगेटिव आ गई, तो फिर ये जो सिम्टम्स हैं वो क्या, कौन से सिम्टम्स हैं, ये अलग से सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं। चेस्ट में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, चेस्ट में हल्का हल्का पेन भी था। उस चक्कर में मैंने कंटिन्यूसली विटामिन सी एंड जिंक की टेबलेट्स ले रही थी और गार्गलिंग किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिम्टम्स कैसे हैं, मैं इतना पैनिक क्यों कर रही हूँ, हो क्या रहा है मुझे। देन आई कॉल टू माय फैमिली डॉक्टर, मैंने विजय सोनी मैम गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, उनको कॉल किया और उन्हें मेरी जो भी सिचुएशन और जो कुछ भी हुआ था पिछले कुछ दिनों में और मेरे साथ जो हो रहा था वो सारी चीज़ें मैंने उनसे शेयर करी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो संगीता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेंड मी योर ऑक्सीमीटर डेटा कि तुम्हारा कितना आ रहा है ऑक्सीजन लेवल। तो मैंने उन्हें 6 आवर्स के गैप में सेंड किया, तो मेरा डेटा बिल्कुल करेक्ट था। मतलब ब्रीदिंग में तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल करेक्ट बताया मैम ने भी और उसमें भी। सो फिर मैंने मैम को पूछा कि तो फिर मुझे ये क्या चीज़ हो रही है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे ब्रीदिंग में इतना हैवी क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मतलब जानबूझ के मुझे सांस लेनी पड़ रही है, ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और अगेन मुझे एंजाइटी हो रही है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैम ने कहा कि तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा डिप्रेशन टाइप का फील हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसा माहौल देखा है इतने दिन, 14 डेज तक रेगुलरली तुम मास्क लगा कर रही हो और तुम्हारे मतलब पूरा माहौल ही इस टाइप का हो गया कि कोविड पॉजिटिव है सब, और फिर तुमने कुछ न्यूज़ भी देखी होगी तो तुम थोड़ा पैनिक कर रही हो, तो तुम्हें अब थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज कर लेना चाहिए, तुम्हें वो जिस रूम में तुम रोज रह रही हो वो रूम ही तुम छोड़ दो, तुम अलग रूम में चले जाओ और तुम अच्छे से अपना केयर करो, ध्यान रखो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने उन सभी चीज़ों को फॉलो किया और अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं फिट हूँ और बिल्कुल फाइन हूँ मैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितनी बार हम लोग सिर्फ फिज़िकली तो फिट होते हैं लेकिन मेंटली हम लोग पैनिक कर जाते हैं और मेंटल में यहाँ पर हम बीमारी सेट कर देते हैं और फिर जो हम यहाँ से सोचते हैं वो हमारे पूरा चेंजेस हमारे बॉडी में होने लग जाता है। जैसे वैसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी फिर भी मुझे लगा कि मुझे हो सकता है कि मुझे कोविड है, इसीलिए मुझे सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सुबह उठ के सबसे पहले आप योगा कर सकते हैं, योगा आपके माइंड को बिल्कुल पीसफुल कर देगा, आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा, तो आप योगा कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप प्रे कीजिए, अच्छे से भगवान को याद कीजिए, प्रे कीजिए। प्रे करने से एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, बहुत घर में चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो हमें सभी को प्रे करना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको क्योंकि बाहर का तो अभी कुछ वैसे भी खाना नहीं है, तो आपको जो अच्छा लगता है घर पर नया नया ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके साथ में आप आपकी जो हॉबीज़ हैं वो फॉलो कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपको डांस पसंद है डांस कर सकते हो, आपको आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हो। और आजकल यूट्यूब पर और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जहाँ पर आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल गोल्डन टाइम है आपके पास। जो चीज़ें आप पहले जिन चीज़ों को करने का आपको टाइम नहीं मिलता था, आप घर पर रह के वो सारी चीज़ें कर सकते हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, और उनके साथ भी पॉजिटिव बातें कीजिए, उनके साथ अच्छे से हंसी मजाक की बातें कीजिए ताकि आपका भी मूड अच्छा हो और सामने जो आपसे बात कर रहा है उसका मूड भी अच्छा हो जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करके और आप अपने मन को एकदम अच्छा फील करा सकते हो। आप म्यूज़िक सुनिए, और ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपको कुछ करते ही रहना है, आप बिल्कुल फ्री भी बैठ सकते हो, इवनिंग टाइम में आप टेरेस पर जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो। चलो इवनिंग और मॉर्निंग टाइम का तो एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है, तो उसे फील कर सकते हैं। इस टाइम में आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, बट घर में आप जो आपका गार्डनिंग सेट कर सकते हो, फ्लावर्स को प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कॉमेडी वाली चीज़ें देख सकते हो, किड्स की वीडियोस देख सकते हो जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगी, आपका मूड एकदम रिफ्रेश कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।